आप सब लोग यहां पर बहन जी के सिपाही है, इसलिए बहन जी का स्वागत नारों से होना चाहिए और सबको पता चलना चाहिए नगीना वासी को कि बहन जी के हाथ मजबूत करने के लिए उनके परिवार का एक एक बच्चा बच्चा यहां पर मौजूद है। बहन कुमारी मायावती भाई आवाज नहीं आ रही, दिल्ली तक आवाज भेजनी है और दिल्ली की आवाज आपकी आवाज से बुलंद होनी चाहिए और दिल्ली का तख्त भी आपके आवाज से हिल जाना चाहिए। बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती भाई पीछे से आवाज नहीं आ रही और बहन जी दिल्ली में बैठी हुई है और वो ये कहेगी भाई मेरे परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो दिल से याद नहीं कर रहे। बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, बाबा साहब, बाबा साहब, मान्यवर काशीराम, देखिए आपके जोश से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार बहन कुमारी मायावती इस देश की मुखिया बनेगी और बहन जी के हाथ अगर मजबूत होंगे तो किसके हाथ मजबूत होंगे? बहन जी के हाथ मजबूत होंगे तो हम सब के हाथ मजबूत होंगे। याद करो 2007 का वो दिन जब बहन कुमारी मायावती इस प्रदेश की मुखिया थी। थाने और कचहरी में जब हम लोग जाते थे तो दरोगा हो या दीवान हो, थानेदार हो या कलेक्टर हो, सब लोग समय से पहुंचते थे और ये कहते थे भाई इनका काम जल्दी से कर दो, कहीं बहन जी के रिश्तेदार तो नहीं है, कहीं मेरा ट्रांसफर तो ना हो जाए। बताओ ऐसा होता था या नहीं होता था? देखिए सब लोगों को ताली बजानी है, नारे भी लगाने हैं और ये एहसास करना है कि हम लोग बहन जी की अगुवाई में यहां पर बैठे हुए हैं। इस रैली का मतलब है कि बिजनौर जिले की आवाज, बिजनौर जिले की आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। उसके साथ साथ जब बहन कुमारी मायावती 2007 में इस प्रदेश की मुखिया बनी, चारों तरफ अमन और चैन था, चारों तरफ बहन जी के नारे लगते थे और अगर किसी ने किसानों की सुनिए तो वो बहन कुमारी मायावती है, अगर गन्ने का रेट बढ़ाया तो बहन कुमारी मायावती ने बढ़ाया। उनके बाद जितनी भी सरकारें आई वो केवल किसानों के हित में दिखावे का काम करती है, उनकी उनके लिए कभी नहीं खड़ी रही। आज हम सब लोगों को यहां पर कसम खानी होगी कि हमें बहन जी के हाथ मजबूत करते हैं और बहन जी के हाथ मजबूत आपकी वोट देने से होंगे और आपको निश्चय करना होगा कि आपकी वोट के साथ साथ पड़ोसी की वोट भी डलनी चाहिए और पड़ोसी जब पड़ोसी की वोट डलवाएगा तो पूरा गांव वोट डलवाएगा और पूरा गांव जब वोट डलवाएगा तो पूरा क्षेत्र वोट डलवाएगा और पूरा क्षेत्र वोट डलवाएगा तो पूरा समाज वोट डलवाएगा और पूरा समाज जब वोट डलवाएगा तो पूरे देश की वोट बहन जी के हित में डलेगी। आज हम सब लोग नगीना लोकसभा में अपने बड़े भाई के पक्ष में खड़े हुए हैं, उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि 19 तारीख से पहले ही वो जीत चुके हैं और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। पीछे से तालियों की आवाज नहीं आ रही है, आपकी तालियों, माता बहनों की तालियां इस बात की गवाह है कि लोकसभा सीट हमारे भाई चुनाव से पहले ही जीत चुके हैं। हम सबको जात पात और धर्म में ना बटकर
इकट्ठा होकर, सर समाज को इकट्ठा होकर बहन जी को जिताने का काम करता है। अगर बहन जी विजय हुई तो हर घर में हर घर का बच्चा बच्चा ये समझे कि विजय होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को देखता हूं कि आप लोगों की आवाज दिल्ली तक कितनी जोर से पहुंचती है। ये बताओ भाई, हम सबका चुनाव निशान क्या है? हम सबका चुनाव निशान क्या है? तो मैं बोल लूंगा हम सबका, आप बोलोगे हाथी। हम सबका, पीछे से आवाज नहीं आ रही भाई। हम सबका, हम सबका, हम सबका। देखिए भाई, ये जो सामने खड़े और ये जो मंच में बैठे, इन सबको पीछे से ज्यादा आवाज लगानी चाहिए, नहीं तो इनको भी पीछे जाके बैठ जाना चाहिए। बुरा मानने की बात नहीं। हम सबको, हम सबको, हम सबको, माता जी को, भाइयों को, बहनों को, और भाई जय भीम के नारे लगाएंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। भाई पीछे से एक बार लास्ट बार बोल रहा हूं, बहुत तेजी से आवाज लगानी है। अगर किसी को बैठे हुए भाई के लिए आकाश भाई जा रहे हैं, अगर नींद आ रही है तो नींद भी उतर जाएगी। उनका इस्तेकबाल, उनका स्वागत इतने गर्म जोशी से होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में इतना ऐसा स्वागत उनका कहीं ना हुआ हो। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला, हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत, छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।